हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदीद है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग 10 बड़ी खबरें देखते हैं। इस खबरों के अंदर ओवैसी साहब से रिलेटेड भी है, केजरीवाल से रिलेटेड भी है, मोदी से रिलेटेड भी है, और भी बड़ी 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 खबरें हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। कल से भारत दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप जी और अपनी पत्नी के साथ भारत दौरे पर आ रहे हैं। इंडिया रोड शो करेंगे, यानी कि 22 किलोमीटर लंबा जो रोड है उसके ऊपर वहां पर लोगों की भीड़ होगी, शो होगा, इसीलिए उसका नाम दिया गया इंडिया रोड के बारे में। लेकिन इसके आने के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो खर्च लगभग 100 करोड़ रुपये हो रही है। इस 100 करोड़ रुपये खर्च के ऊपर लोगों ने सवाल साधना शुरू कर दिया है, लोग कहना शुरू कर दिया है, अपोजिशन वाले लोग, बीजेपी, कांग्रेस के लोग और भी जो इनके जो भारत से प्रेम करते हैं वो सारे लोग सवाल उठाना शुरू कर दिया कि जब इकोनॉमी इतना डाउन हो चुका है तो 100 करोड़ रुपए खर्च ये आ कहाँ से रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, लोग सारे सवाल करना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी वालों को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि ये 100 करोड़ रुपये बेसिकली किस फंड से जा रहे हैं। यही नहीं, उसके बाद ट्रंप आगरा जाएंगे, आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे। हालांकि मुग़लों का और मुसलमानों का दुश्मन और उनके ऊपर हमेशा क्रिटिसिज्म करने वाले यही बीजेपी और मोदी की सरकार ताजमहल दिखाने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है, ये तो मुग़लों का ही बना हुआ, खैर ये देश का शान है ताजमहल, इसलिए शायद दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने शासन में इन्होंने 5 साल में 10 साल में क्या किया है, जो किस चीज़ को दिखाए टॉयलेट बनाने के अलावा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसकी वाइफ जो है वो दिल्ली के अंदर, आगरा के बाद दिल्ली जाएंगे। दिल्ली के अंदर के ट्रंप और के बीजेपी का दोनों का वार्ता होगा और बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे टॉपिक पर बातें होंगे और जिस आतंकवाद वगैरह चीज़ों पर ये लोग काम करने के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसके बीच में यहाँ का जो दौरा है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल और राजनीतिक दौरा बताया जा रहा है, अगर न्यू टाइम्स अखबार अगर देखा जाए अमेरिकी अखबार के बारे में, क्योंकि इंडियन को लुभाने के लिए बेसिकली भारत का दौरा किया जा रहा है। इंडियन मूल के जो वहाँ के नागरिक है, अमेरिका के अंदर रहते हैं, पिछली बार मात्र 16% लोगों ने सपोर्ट किया था इसको, तो चाह रहे हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में आकर वो उन लोगों का दिल जीते और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें। खैर उसके बाद इनकी वाइफ जो है, ट्रंप की जो वाइफ है, वो दिल्ली स्कूल के अंदर हैप्पीनेस करिकुलम को देखेंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बुलाया तक नहीं वहाँ पर, क्यों, जबकि उन दोनों की वजह से दिल्ली के अंदर वो सारे कार्यक्रम और स्कूल और इतनी खूबसूरत चीज़ें बनी हुई है। तो ये भी बड़ी सुर्खियों में है, हालांकि केजरीवाल ने इनके ऊपर थोड़ा सा टिप्पणी जरूर किया है। लेकिन चलिए एक और ख़बर देखते हैं कि इससे पहले पैसे की अगर बात की जाए, क्योंकि 100 करोड़ खर्च हो रहा है उसके ऊपर, तो ये भी देखते हैं कि पिछले 55 महीनों में 52 देशों की यात्रा किया मोदी जी ने और 2021 करोड़ खर्च किए। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे जो खर्च किए, फ़ायदा क्या हुआ? आप ब्राज़ील गए, भूटान गए, नेपाल गए, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, तो क्या फ़ायदा हुआ इतना खर्च करने का? ये भी बड़ा, अगर इतना फ़ायदा होता तो आज इकोनॉमी इतना डाउन नहीं होता। इस तरह चार्टर्ड उड़ान पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया। इसके अलावा हम लोग शाहीनबाग की तरफ चलते हैं। शाहीनबाग के ऊपर आरिफ नाम का एक आदमी आप देख सकते हैं, राज्यपाल शायद बनाया है इसको, जब से बनाया तब से कुछ हवा में ही उड़ रहे हैं ये। इन्होंने कहा है कि शाहीनबाग जो है वो बेसिकली आतंकवाद का दूसरा रूप है। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया शाहीनबाग प्रोटेस्ट पर। उसके जवाब में ओवैसी साहब ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उनका इंटरव्यू लिया, पब्लिश किया है, इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसिकली ये है कि शाहीनबाग जो है वो मूल या कोर कॉन्स्टिट्यूशन को रखवाला है शाहीनबाग प्रोटेस्ट, और उसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए लड़ाई हो रही है, इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं हो रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि विवेक पप्पू यादव ने कमेंट किया मोदी जी पर इस तरह के नौटंकी को, इस तरह जाके लिट्टी चोखा खाना, जबकि लोग इस तरह देख सकते हैं कि आप इकोनॉमी की वजह से, गरीबी की वजह से लोग का जहर खा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं और उसके बाद ये ड्रामा कर रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने कहा पप्पू यादव ने कि ड्रामा ऑफ द सेंचुरी, यानी कि 100 साल में अगर एक अभिनेता को सिलेक्ट करना हो तो ये इनमें से एक मोदी होगा। तो आइए उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी के प्रिंसिपल ने छात्रों को बताया कि अगर आपको पास करना है तो 100-100 रुपये आप क्या करना, आंसर शीट के बीच में डाल देना। बड़ा तरक्की कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का स्टेट। आगे चलते हैं और एक 24 तारीख को एक बड़ा इवेंट होने वाला है हैदराबाद के अंदर, एक प्रोटेस्ट होगा वीमेंस, यानी कि औरतों का प्रोटेस्ट होगा शाहीनबाग की ही तरह, और उसमें ओवैसी साहब भी रहेंगे। और जगह मैं बता दूँ, 24 फरवरी को 5 बजे शाम को होगा, और जगह की अगर मैं बात करूं तो ये ईदगाह है, ईदगाह बिलाई मसब
टैंक यहाँ पर है इस जगह पर। इसके अलावा वारिस पठान ने माइम को वारिस पठान ने अपने लफ्ज़ों को वापस लिया। 15 करोड़ वाले मुस्लिम ने कहा मेरे शब्दों को, मेरे लफ्ज़ों को, मेरे अल्फाजों को तोड़ मोड़ कर दिखाया गया है और लोग इसका गलत मतलब निकाले हैं। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, मैं एक मुस्लिम भी हूँ और एक यहाँ का देशभक्त भी हूँ, इसीलिए मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अल्फाजों को गलत तरीके से दिखाया है जिससे तकलीफ़ हुई, तो मैं अपने अल्फाजों को वापस लेता हूँ। तो इस तरह से इन्होंने कहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं संजय राउत का एक बयान है कि AIMIM कुछ नहीं कर रही है, बेसिकली लोगों को, मुसलमानों के दिमाग में जहर घोलने का काम कर रही है, इसलिए उनके ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो इस तरह की ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा।